हेलो एंड वेलकम बैक टू गाड़ीवाड़ी.com। दोस्तों मैं लेकर आ चुका हूँ एक और वीडियो रॉयल इनफील्ड की न्यू बुलेट 2023 मॉडल की। 350 सीसी में आज इस बाइक को लॉन्च करा गया है। नए प्लेटफॉर्म, नए इंजन, सब कुछ नया है अगर आप बुलेट से कंपेयर करेंगे ओल्ड बुलेट के साथ में। बट इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ 5 तमाम कलर्स जो आप इस बाइक के अंदर खरीद सकते हैं। 3 वेरियंट्स में बाइक आई है। ये जो आप कलर देख रहे हैं ना, ये इसका ब्लैक कलर है जो आपको कहीं ना कहीं बुलेट एक्स की याद दिलाएगा। इसके ऊपर आपको यहाँ पर ये वाइट कलर के अंदर लोगो दिखाई देने वाला है और साइड के अंदर भी एक ग्राफिक्स लगाई गई, 3D ग्राफिक्स है। हालांकि ये इसका बेस वेरिएंट है जिसकी कीमत है 1,73,000 रुपीज़। अच्छा, ब्लैक कलर के अंदर आपको क्रोम काफ़ी अच्छे से नज़र आने वाला है, जैसे कि जो इसके साइलेंसर है ये पूरा क्रोम के अंदर है। हालांकि फ्रंट और रियर जो व्हील है वो ब्लैक कलर के अंदर पेंट किया गया है इस बाइक के अंदर। इंजन इसके अंदर हालांकि आपको क्रोम और जो एल्यूमिनियम शेप का है, एल्यूमिनियम जैसा कलर आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। इसके अलावा बेस वेरिएंट में आप एक और कलर खरीद सकते हैं, वो है ये रेड कलर। इस कलर का नाम है मिलिट्री ब्लैक, उस कलर का नाम है मिलिट्री रेड, इस कलर का नाम है। यहाँ पर आपको रेड कलर के अंदर भी सेम वही ग्राफिक्स नज़र आने वाली हैं, फ्यूल टैंक के ऊपर, साइड में इसके काउल के ऊपर, ये जो काउल है इसके ऊपर, और इसके अंदर भी आपको जो फ्रंट और रियर व्हील है वो ब्लैक पेंटेड है, बाकी क्रोम का यूज किया गया है। यहाँ पे आपको जो इसके ORVMs हैं, जो मिरर्स हैं, वो यहाँ पे आपको ब्लैक मैट फिनिश के अंदर नज़र आएंगे। काफ़ी कुछ चेंज हुआ है बुलेट के अंदर। बुलेट के अंदर आपको ये यहाँ पे स्पीडो कंसोल मिलेगा जो सेम क्लासिक जैसा है, मिट्योर के अंदर भी ऐसा ही आता है। यहाँ पे ये जो स्विच गियर वगैरह हैं ये सब चेंज हुए हैं इस बाइक के, और ये लीवर वगैरह चेंज हुए हैं। क्रोम आपको यहाँ नज़र आएगा, गोल आपको अब यहाँ पे साइटन इंडिकेटर्स नज़र आने वाले मोटरसाइकिल के अंदर, और ये जो साइलेंसर वगैरह है रेड कलर के अंदर भी ये जो है क्रोम कलर के क्रोम में है। रेड और ब्लैक के अंदर तो अच्छी लगी रही है। इसके अलावा जिससे ऊपर वाला वेरिएंट है उसके अंदर आपको मिलेगा ड्यूल चैनल ABS, वो ये कलर है, ये स्टैंडर्ड ब्लैक कलर है। स्टैंडर्ड ब्लैक के अंदर ये हैंडीक्राफ्ट जो पेंट हाथ से करता है रॉयल एनफील्ड, वो किया गया है। और इसके ऊपर आपको ये जो बड़ा लोगो आता है रॉयल एनफील्ड का, वो नज़र आने वाला है बुलेट पे। आपको यहाँ पे बेजिंग नज़र आने वाली है। और इसके अंदर भी आप अगर कंपेयर करेंगे जो मिलिट्री रेड और मिलिट्री ब्लैक है उसके मुकाबले, इसमें जो व्हील है वो यहाँ पे सिल्वर पेंटेड हैं, उसमें ब्लैक आते हैं। इसमें जो रियर टायर है उसकी साइज़ लगभग सेम है। हाँ, टायर साइज़ सबका स्टैंडर्ड रखा गया। पहले बुलेट के अंदर पतले टायर्स आते थे, यहाँ पे टायर साइज़ सेम रखा गया। ड्यूल चैनल ABS है। इसके अंदर क्रोम का जो पार्ट है थोड़ा सा ऐड हो गया है, जैसे कि यहाँ पे आपको एक क्रोम दिखाई देगा इसके ऊपर, इसके ऊपर यहाँ पे क्रोम आपको नज़र आने वाला है। और 1,97,000 रुपीज़ इस वेरिएंट की प्राइस रखी गई है। इसके बाद आया है एक नया कलर ब्लैक गोल्ड, उसकी कीमत है 2,15,000 रुपये। ब्लैक गोल्ड के अंदर आप ये देखेंगे ना तो यहाँ पे टैंक के ऊपर ये एक ग्राफिक्स बनाई गई हैं जो ब्रॉन्ज कलर के अंदर है। लोगो के अंदर भी आपको यहाँ साइड में दिखाई देने वाला है, लोगो भी इसका कुछ इस साइड इस तरह का बनाया गया है। ये इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है और 2,15,000 रुपये में लगभग क्लासिक की कीमत के आसपास अब आपको बुलेट की कीमत भी नज़र आने वाली है। हालांकि अगर आप बेस वेरिएंट खरीदेंगे तो सिर्फ 1,73,000 रुपये में आप इसका बेस वेरिएंट खरीद सकते हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि इन 5 कलर्स के अंदर से, अच्छा ये एक कलर रह गया मैरून कलर। मैरून कलर कहीं ना कहीं आपको मैचिस्मो की याद दिलाने वाला है। मैचिस्मो जो आती थी बुलेट के अंदर वो इसी कलर के अंदर आती थी, तो उस कलर को वापस लाया गया है और अब आप 5 कलर के अंदर इस बाइक को ख़रीद सकते हैं। सबसे बेहतरीन कलर मुझे अगर मैं पर्सनली बताऊं तो सारे कलर अच्छे हैं यार, मतलब ब्लैक भी अच्छा है, मैरून भी अच्छा है, ये तो है ही प्रीमियम कलर। और इन दोनों कलर्स के अंदर जब बाइक धुली होगी ना, साफ़ होगी, तो सबसे अच्छी लगने वाली है इन लाइट कलर्स के अंदर। और सबसे सस्ती भी यही, सबसे अफोर्डेबल भी यही दो वेरियंट्स हैं। तो आपको सबसे अच्छा कलर कौन सा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा। किसी एक सब्सक्राइबर को हम गिव अवे के रूप में रॉयल इनफील्ड की एक बाइक देने वाले हैं, बट वो गिव अवे होगा जब हम छुएंगे 2 मिलियन का आंकड़ा। 1 मिलियन के आंकड़े पे हम देंगे ओला का एक स्कूटर, और 1.5 मिलियन के आंकड़े पे हम देने वाले हैं होंडा की CB350 हाईनेस। कैसी लगी आपकी वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में आपका होस्ट गौरव यादव लेता है, मिलता है एक वीडियो के साथ बहुत जल्द। धन्यवाद।